This is what we call बिना मौसम के बरसात। ये घर बहुत भुतहार है, बहुत भुतहार। देखो कैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह। 200 kgs। लाइफ में इतना ज्यादा काम आ गया ना भाई साहब कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। व्लॉग करने ही भूल जाता है इंसान। भंगी चमार जैसा बना हुआ है एकदम। देखो कैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह। पाइपलाइन बिछ रही है, इधर पे छपाई हो रही है, टंकी साफ हुई, प्रेशर पंप लगा, ठीक है, फिर यहाँ से पाइप नीचे गया है अभी पूरा, फिर दूसरा वाला घर भी पूरा कचरा हो गया है। तो देखो पूरी यहाँ की सफाई चल रही है अभी, ठीक है पूरी। फिर घर अपना अंदर का थोड़ी साफ सफाई हुई, चौखट आ गई है, ये चौखट यहाँ पे लगेगी दरवाजे में, बस यही सब चल रहा है। कल जब मैं प्रयागराज गया था तब तक मेरी पूरा काम हो गया, वॉशरूम का छत डल गया, सब हो गया। ये हमारे ठेकेदार साहब सुंदर भैया। सुंदर भैया हाई कर दीजिए कैमरे पे। वाह क्या मुस्कुराहट है। देखो रीवा में जिसको काम कराना है ना, कॉन्टैक्ट मी, आई गिव हिज कॉन्टैक्ट। मस्त काम करते हैं। इन्होंने मुझे बचपन में गोदी में खिलाया है, अब समझ लो कितने पुराने हैं ये हमारे घर के। देखो पूरा अभी छपाई उपाई अब शुरू होगी, इधर लग गई पूरी, अब ये कल यहाँ प्लास्टर शुरू होगा, पूरा रूम वूम बहुत सारी चीज़ें। और मौसम देखो भाई कितने बज रहे हैं, देखो 4:30, और मौसम देखो पूरा घेरा है बादल, पर साला बर्फ़ नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन है। और इस बिल्डिंग की एक बहुत प्यारी कहानी बताऊँगा आप लोगों को बहुत समय पर, और ये वाले घर की भी काफ़ी हॉन्टेड टाइप का है। भाई व्हाट एल्स यू वांट। सूरज निकला हुआ है देखो, तो बारिश हो रही है। देखो कितने बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं, तुम लोग को दिख रहे होंगे कितने बड़े बड़े, अरे यहीं पे दिख रही है। बारिश हो रही है भाई साहब, और ये बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल बिना मौसम के बरसात। देखो कितना खतरनाक बारिश होने लगी, तो एक तरीके से छत से चढ़ाएगा अपना छत तो ऊपर का। ये देखो गाइस ठेकेदारों का घर कैसा होता है। अब मेरे घर में मतलब ये मेरा पूरा घर है, ठीक है, चाचा लोग और बड़े पापा लोग सब पूरा ये पूरी जॉइंट फैमिली रहती है, ठीक है। इनमें से सपोज करो 17 भाई रह रहे हैं, ठीक है, 17 भाई में से 15 भाई ठेकेदार थे, ठीक है। अब सब ने ठेकेदारी छोड़ दी, अब सुंदर भैया शुरू किए हैं। तो अब ये सुंदर भैया का मटेरियल देखो यहाँ कितना पड़ा है, गुंबद बन गया। पहले यहाँ पे भी यहाँ तक की बिल्डिंग थी, मतलब इतनी ऊंची ये छत के लाइन की, ठीक है, ये वाला छत है ना, ये देखो ये रॉड निकली है जहाँ पे, यहाँ तक बिल्डिंग थी पूरी, तो यहाँ पे भी पूरी बिल्डिंग थी। अभी तोड़वा दिए क्योंकि अभी ये प्लॉट खाली हो गया और ये गाड़ियाँ अपनी खड़ी रहती हैं यहाँ पे, तो ये भी अब पूरा सेट होने वाला है अभी है। फिर ये एक बगिया बनी है छोटी सी घर की, जहाँ आग लगी हुई है, छोटे से घर में ही बगिया है। फिर ये शॉप्स वगैरह बनवा दिए हैं, खाली पड़ी हुई थी जमीन तो थोड़ा उपयोग में लाने के लिए। ये देखो पूरा व्यू कितना सही, और देखो सनसेट, डेली सनसेट दिखाऊंगा, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना ब्यूटीफुल है। मतलब शाम को रीवा में मुझे विटामिन डी की कोई कमी नहीं होती, नो कमी। और गुड़गांव में इतनी धूल कि साला इतना पॉल्यूशन है कि कुछ नहीं कर सकते। देखो छत कितना ऊंचा है साला, पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। वो घर देख रहे हो आप, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड का घर था पहले छोटे में, प्रथम का, अभी भी है घर पर अब वो नहीं रहता, लोग सब नोएडा वोडा शिफ्ट हो गए हैं। ये घर बहुत भुतहा था भाई, ये मेरा घर है, ये उसके ऊपर की फ्लोर जो बन रही है, ये घर बहुत भुतहा था, बहुत भुतहा, मतलब हॉन्टेड वाला हॉन्टेड। हम लोग एक बार इस वाले घर पे रात को खड़े थे, लाइट गोल होती 2007-08 की बात है, और इधर देखते थे तो कोई ना कोई खड़ा दिख जाता था। फिर वो वाला जो घर है हमारा, ये वाला, ठीक है, वाइट वाला, ये सबसे पुराना, ये 70-100 के ऊपर का है, 200-150 साल के ऊपर का है, मतलब इतना मालूम है 1800s का घर है वो, इतना खतरनाक है। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बैठा हुआ, देखो ऐसे सीढ़ी में चढ़ के बैठा हुआ, इतना मस्त लग रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, सोंधी सी सनसेट हो रहा है। पापा मम्मी लोग भी नीचे भी आए थे, अभी पानी वाली आ गया है। ये टंकी हम लोग हटवा दिया, जो पुरानी हम लोग की सबसे पुरानी टंकी थी 50-60 साल पुरानी, उसको वापस यूज़ कर रहे हैं। बहुत देर बाद आई रियलाइज़ कि भाई साहब सामने व्यू दिखा दिखा के ही बात कर रहा हूँ,
व्हाट आई वाज सेइंग कि जो हम लोग टंकी अभी यूज़ कर रहे हैं वो 60-70 साल पुरानी है, जब सही घर बना हुआ है काफ़ी, मतलब 100 साल करीब की होगी दिमाग में। तो ये वाली जो टंकी है जिसे मैंने अभी हटवाया है, ये लगी तो 2018 में, ठीक है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत निकलते हैं राइट, तो इस वजह से मैंने ये टंकी हटवा के अब उस टंकी को ही ऑपरेट करा दिया प्रेशर पम्प लगवा के। पूरे घर में प्रेशर एक तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है कि जितना प्रेशर आता था वो अब अमेजिंग हो जाएगा, आधा हॉर्स पावर का प्रेशर पम्प लगवाया है, एंड दैट्स वेरी गुड। तो वही अभी मम्मी लोग से डिस्कस कर रहा था कि सारा ये सब अब यहाँ पे भी पूरी टाइल्स लगनी है। देखो ये छत इतना निकल आया अपना, ये छज्जा बना हुआ है, ठीक है, ये छत निकल आया। अब इस छत में हाँ पापा देखो अभी चेकिंग चालू है, चेकिंग एकदम। तो इस टंकी का चेक कर रहे थे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है माते, माँ टंकी खाली है। पर्स जब लगते हैं तो यही होता है, प्लम्बर खड़ा अपना, उसने क्या किया है कि जो नीचे वाली टंकी है उसमें वॉल लगा दिया है, तो जब वो पूरी भर जाएगी तब ये वाली टंकी में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो मम्मा लोग पकड़ ली, मम्मा लोग बोलती हैं कि भाई साहब हाँ कि हमें अगर डायरेक्ट करना हो, हमें ये टंकी नहीं भरनी वही भरनी है तो क्या करेंगे। तो अब उसको एक लूप होल पता चला। देख रहा हूँ मास्टर नी को, मास्टर नी मोमेंट ऑफ ट्रुथ, प्रेशर पंप चलता है कि नहीं आज। कनेक्शन अभी तो फिलहाल वाला करवा दिए, अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं। वर्कआउट टाइम फोक्स, आज बैक का दिन है, बैक मार रहा हूँ, बस बैक में देखो मेरे 200 kgs। भाई साहब 200 किलो, भाई इसका 60 किलो फट गई है, मार्क्सम फटली पसीना। I think 65 kgs is feeling like shit man, बहुत हैवी जा रहा है इस रोइंग मशीन में। पूरे सिस्टम सिंगल है ना, इतना खतरनाक वेट बढ़ रहा है ना, 65 किलो मार रहा हूँ बैक में रोइंग में, इतना खतरनाक लग रहा है ना। अभी शूट करता हूँ दिखाता हूँ कितना दम लग रहा है, फटी जा रही है। देखो अपने जिम दिखाता हूँ, जस्ट पाता हूँ काफ़ी अच्छे जिम है मेरी, बाकी अभी करेंट में सारी मशीन है इसमें, जो डेडलिफ्ट का अलग से रैक बनाए हुए हैं, बॉल लैट पुल डाउन, रोइंग की मशीन रखी हुई है, देखो रोइंग की मशीन रखी हुई है। अरे भाई अपना छुप रहा है, ठीक है, ये देखो पूरा फंक्शनल एरिया है ये। क्या दिख रहा है हाँ, हलवा ही क्या? भाई साहब टुडेज वर्कआउट इज खत्म, और अपना प्रोटीन शेक पियेंगे, बैक मारी बहुत हैवी, बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। अब अपना करेंगे थोड़ा सा खाना है उन्हें, कुछ खाएंगे बताते हैं आपको क्या खाएंगे। पनीर सब खाता हूँ, बहुत टेस्टी बनाता है बंदा यहाँ पे, एक कार्ड लगाता है वो बनाता है बहुत टेस्टी। चलो बंद करता हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब अपन चलते हैं उसके कॉर्नर पे, एंड देन विल हैव सम पनीर सब। भाई साहब आ चुके अपन है फूड ट्रेलर पे, ये देखो ये है और ये है यम्मी सा पनीर सब, ये देखो इसमें देखो कितना सही पनीर है, और ये इतना बड़ा होता साला, खा गया मैं। खाने के बाद याद आया कि दिखाना भी था तुम लोगों को, सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव इट अ थम्स अप, कमेंट करिएगा उस पर, अभिषेक बताइएगा, ये मेरे जिम पार्टनर और बास्केटबॉल पार्टनर।